जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कुर्बान कॉलोनी उस्तामन में। यहाँ पे अहलियान हैं, कुर्बान कॉलोनी मौजूद हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कल गुज़श्ता रात से यहाँ पे बरसातें हो रही हैं, बरसात से कुर्बान कॉलोनी बिल्कुल यहाँ पे तालाब का मंजर पेश करें। आप मेरी अकब में देख सकते हैं कि पानी ठहरा हुआ है, यहाँ पे लोग खवातीन बच्चे बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पे अहले मुकीन हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कल से बरसातें हो रही हैं, सबसे पहले बात करते हैं बरसात का, पानी का निकास कैसे है कुर्बान कॉलोनी? सर यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, पानी की कोई सहूलियत नहीं, ना निकाल है, ना कोई सहूलियत है, ना कोई रास्ता है, कोई नहीं है। कल आपके सुनने में आया होगा, हमने देखा भी है, कल यहाँ हमारे पड़ोस में एक फौती हुआ था, ना उसको पीने के लिए कोई उसको ना कोई यानी जनाजे को धोने के लिए कोई पानी मिल रहा था, ना कोई चीज़ मिल रहा था, कोई सहूलियत नहीं। अपनी मदद आपके तहत किसी ने पैसे पर लेकर पैसा उसको पैसे के हिसाब से लेकर उसको दफना कर, उसको गुस्ल देकर उसका जनाजा कंधे पर उठा कर, कंधे भी बहुत मुश्किल से जा रहा था, बहुत मुश्किल से, यकीन कर बहुत मुश्किल, कोई रास्ता नहीं, कोई सहूलत नहीं। ये अब तो मेरे बाएं हाथ में पानी खड़ा हुआ है, ऐसे एक महीना पूरा खड़ा होगा, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई सहूलत नहीं। हम यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अमले आते हैं यहाँ पे नहीं सर, कोई नहीं आता है, कोई है। मुझे तकरीबन यहाँ रहते हुए तक 5-6 साल हो गए, कोई नहीं आया है। आते हैं मतलब के लिए आते हैं, अपना वांट लेके चले जाते, बाद में नहीं देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई तकलीफ है या कोई मुश्किल है, ताकि उनसे हमदर्दी कर सके। यहाँ पे काउंसलर कौन है? ये काउंसलर तो शायद राजा खान गोला का नाम बता जा रहा है। जी, वही है। तो उसको मैं रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा हमारे को आए मदद करें, हम आपके साथ हैं, हम आए आप मदद करें, हम गरीबों को, हम गरीब के लिए मदद करें, कोई गैस की सहूलत, कोई पानी की सहूलत, हम आपके साथ हैं, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, मुसलमान भाई है यार। सर जिस तरह आपने गैस के बारे में बात की है, कुर्बान कॉलोनी में गैस कैसी है? नहीं है, गैस है ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं, तकरीबन 8-10 साल से लेकर गैस कोई सहूलत है ही नहीं है। पढ़ते हो? जी मैम। कौन सी क्लास में? 5 में। 5 में आप भी कुर्बान कॉलोनी के रहने वाले हैं? हाँ। कैसी यहाँ पे, कैसी आप लोगों को कोई एंजॉय का, यहाँ पे कोई पार्क वगैरह घूमने का कैसे है? हमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं हो रहा है यहाँ पे, रास्ता भी खराब है, रास्ता भी खराब है, गटर का पानी आ रहा है सारा, यहाँ बीमारी फैलने का खर्चा, बीमारी का खर्चा है। और ये कि वाटर सप्लाई का पानी कोई आता है यहाँ पर? नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी बंद हो जाता है। क्या वाले गा रहे हो आप? हमारा गाड़ा फंस गया है यहाँ पे, बहुत पानी है, गप्पे गा रहे हैं, गा रहे हैं गप्पे। अभी कहाँ इसको दिखा देंगे गप्पे गा रहे हो? हाँ ना, क्या गए, नीचे गया है। शुक्रिया बिल्कुल भाई, गदा गड़ा चला कर अपना रोजी रोटी कर रहा है, हमारे दिखाने का मकसद, इतना गुर्बत बढ़ गई है, ये छोटा बच्चा, इसका पढ़ने का वक्त है, खेलने का वक्त है, लेकिन ये गदा गड़ा चला कर पानी बेच कर जो अपने घर का गुजर बसर करता है, तो हमारे खून के यानी खून के आंसू दिल रो रहा है। बहुत यहाँ पे जो कुर्बान कॉलोनी है बहुत पीछे है, तमाम महलों से पीछे, यहाँ पे कोई तरक्याती काम ना होने के बराबर है, यहाँ पे गैस नहीं है और यहाँ पे आब निकासी नहीं है। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो काउंसलर है राजा खान, जो उनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने मुतालबा किया है राजा खान से और मेयर उस्ताद मोहम्मद से, गुजारिश की खुदारा यहाँ पे जो हमारे कुर्बान कॉलोनी है, यहाँ पे जो आब निकासी का इंतजाम किया जाए और इसको पानी निकाला जाए। यहाँ पे खवातीन बच्चों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जिसने गुजारिश करूँगा डिप्टी कमिश्नर उस्ताद मोहम्मद से, मेयर मीर मुजफ्फर खान जमाली से, गुजारिश खुदारा ये कुर्बान कॉलोनी के जो रहायशी हैं, मुकीन हैं, ये भी आपका शहरी हैं, तो इनके लिए कोई अपने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले, इनको रवाना किया जाए, यहाँ सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो पानी ठहरा हुआ है पानी को निकाला जाए, ऐसे ना यहाँ के बीमारियाँ फैलें और लोग बीमार हो जाएं, लोग पहले से बेजार हैं, लोग पहले से यानी कि बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं। तो बस मैं इजाज़त चाहूँगा और देखते रहिए वैसा डी एम उस्ताद बलोचिस्तान।